पे और जहां इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये अगले मेहमान जो आप देख रहे हैं वो चीन के प्रीमियर को आप देख रहे हैं ली क्यांग, जो इस वक्त पहुंच गए हैं। देखिए चीन की तरफ से लगातार खलल डालने की कोशिश की गई, शी जिनपिंग ने दूरी बना ली G20 की समिट से, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब G20 में चीन के राष्ट्रपति शिरकत नहीं कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां पर प्रीमियर चाइनीज ली क्यांग। अखिलेश बिल्कुल, तो चीन के प्रीमियर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तरीके से चीन की जो साजिशें नजर आती रहीं आशीष पिछले दिनों में, उसका जवाब तो दे दिया गया है, जो बायलेटरल टॉक्स को टाल दिया गया, हर डोमेन में दिया जा रहा है। और अगर देखिए, भारत और भी ज्यादा स्ट्रांग जवाब दे सकता था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा भारत पैसिव मोड में इसलिए है क्योंकि अभी हम होस्ट कर रहे हैं, और अगर हम कोई ज्यादा ओवर रिएक्शन करेंगे तो वही होगा जो चीन चाहता है हमसे गलती करवाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे तरीके से G20 पूरी तरह से निकल जाए, उसका एक अच्छा दिल्ली डिक्लेरेशन हो चीन के रोड़ा अटकाने के बावजूद, और ये एक डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई है शी जिनपिंग द्वारा ली क्यांग को भेजकर, और ऐसे समय में जब भारत और चीन दोनों ही तरफ से कोशिशें भारत की तरफ से कोशिश की जाती रही, लेकिन चीन की तरफ से ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है कि LAC का टेंशन शांत हो, ये आग में घी डालने वाला है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और अभिषेक देखिए, अभी थोड़ी देर पहले दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया की राजधानी अभी नई दिल्ली नजर आ रही है, वाकई में यही माहौल दिख रहा है, जो हमने नाम भी दिया है कार्यक्रम का विश्व उत्सव, और इसमें चीन के राष्ट्रपति ना आए हों लेकिन प्रीमियर का पहुंचना क्या कहता है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शी जिनपिंग 2013 में राष्ट्रपति बने थे अखिलेश, और उसके बाद से एक रोम की समिट थी जो उन्होंने मिस की थी, और वो भी इसलिए मिस की थी कि उस समय कोरोना की महामारी थी, उसके अलावा कहीं मिस नहीं की है। इंडिया में वो क्यों मिस कर रहे हैं, इसके सीधे से मायने। और देखिए चीन कहां नहीं है, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश इस G20 का इसमें बतौर सदस्य शामिल हो जाएंगे। यहां भी चीन क्रेडिट ले रहा है कि हमने इसकी पहल की थी, जबकि ये पूरी तरह से असत्य है। आप सोचिए, जो चीन ने अफ्रीका के देशों में कर्ज का जाल फैलाया है, वो इसका एक बड़ा मसला है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, और जो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग की बात की जा रही है वो भी इसीलिए की जा रही है। अभी आपको ब्रिक्स याद होगा, ब्रिक्स में जिस तरह से चीन ने एक ब्रिक्स बैंक बना करके पूरी कवायद है कि अफ्रीका के देशों को, दूसरे जो विकासशील देश है, जो ग्लोबल की बात होती है, उनको अपने कर्ज के जाल में लपेट लिया जाए, और ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बनकर के चीन राजा बनकर के उभरे। उसको डेंट अगर लग रहा है तो भारत से लग रहा है, और यही वजह है कि चीन इसे डाउनप्ले करने में। और अभी जब दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, वहां भी चीन की आपको कवायद दिखाई पड़ेगी कि चीन कोशिश वहां भी कर रहा है कि इसमें चीन की तरफ से लगातार रोड़ा अटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर भी सबसे बड़ा रोड़ा चीन की तरफ से ही लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर चिड़ की वजहों की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, यहां एशिया के अंदर भारत का बढ़ता दबदबा, हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, चीन की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार दुनिया के भविष्य का एजेंडा सेट भारत कर रहा है, यही वो तमाम वजह जिससे चीन चिढ़ा हुआ है। आशीष कुमार सिंह जी, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और चीन के लिए भी क्लियर कट मैसेजिंग है। चीन ने अपनी तरफ से चाल चलने की कोशिश की, रोमाना कि चीन के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आते हैं। और देखिए वो वक्त और था जिसका थोड़ी देर पहले आशीष मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, उस दौरान जब अगर प्रधानमंत्री आता था चीन का तो मैंडेट के साथ आता था। हम तब ये आर्ग्यू किया करते थे कि कम से कम 30 साल ऐसे थे जब बॉर्डर पर कोई गोलियां नहीं चली थी, आप गालवान में भारतीय फौज के साथ झड़प करते हैं, फौजियों की जान जाती है दोनों तरफ, और उसके बाद इस तरह की हरकत, तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से क्लियर कट मैसेज है चाइना को कि आप चाहे जो भी कर लें, अब इस रीजन में सुपर पावर के तौर पर भारत उभर रहा है, और ये एक सच्चाई है जो चाइना को एक्सेप्ट करनी ही होगी। लेकिन चाइना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। दीपक वोरा सर, शी जिनपिंग नहीं आए हैं, अपने प्रीमियर को भेजा है, रोड़ा अटकाने की कोशिश है, लेकिन शायद बेचारे खुद अलग थलग पड़ रहे हैं, इसी के दर्द में इस वक्त मुब्तला है। दीपक वोरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है मैम कि उनके अपने देश में उनकी गंभीर समस्याएं हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति खत्म हो रही है, प्रॉपर्टी सेक्टर खत्म हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस है, शायद इसलिए नहीं आए। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ वरिष्ठ जो अधिकारी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने झाड़ लगाई है पिंग पोंग को कि भाई तेरे कारण कम्युनिस्ट पार्टी टूट रही है, तो अपने डोमेस्टिक रीजंस के लिए वो यहाँ पे नहीं आया। आते भी मैम तो उनकी प्रेजेंस जो मैंने देखी है पिछले कई सालों से, हमेशा डिसरप्टिव होती है, वो हर चीज को तोड़ने की कोशिश करते, चाहते क्या है कि जहां भी मैं जाऊं वहां बारात में मैं ही दुल्हा रहूं, लेकिन फिर वो फूफा बन के रह जाते हैं, लोग उनको इतना पसंद नहीं करते उनकी मीटिंग।
और यही चीज हमें नजर आ रही है। यहाँ नहीं आया है तो बहुत अच्छी चीज की है, ताकि हम उन मुद्दों पर फोकस कर सके जो दुनिया को यूनाइट करते हैं, दुनिया को डिवाइड नहीं करते। ये हम पे मेहरबानी की है उस व्यक्ति ने यहाँ ना आकर। आपने बहुत सही तंज किया दीपक वोरा साहब, जो उदाहरण आपने पेश किया दूल्हे और फूफे वाला, ठीक है, लेकिन मैं इस पर यह भी आशीष आपसे समझना चाहूंगा, भले ना आए चीन के राष्ट्रपति, हुआ तो कुछ नहीं। आप देखिए कार्यक्रम पूरी तरीके से सुपरहिट नजर आ रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की तरफ है, और आप सोचिए ना आर्थिक लिहाज से भी दुनिया में जो 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले देश हैं उसके प्रमुख यहां पर हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं। एग्जैक्टली, देखिए अगर आप चीन की ये हरकत देखेंगे तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी व्हाइट हाउस से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। जो बाइडेन ने भी खुद कहा कि हम उम्मीद करते थे कि वो आएंगे, लेकिन आए ही नहीं, यानी कि भाग खड़े हुए, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा को अपने एक्शन के जरिए पूरे विश्व को एक बार फिर वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि उनकी दिलचस्पी नहीं है LAC के टेंशन को कम करने में या सॉल्व करने में। उनकी दिलचस्पी नहीं है कि कोरोना जो उनके देश से निकला था वो उसके आगे जो इंपैक्ट हुआ है उससे किस तरह से निपटा जाए, विश्व की उसकी मदद की जाए। उनकी दिलचस्पी नहीं है जब भारत बात करे कि G20 से G21 हो, अफ्रीका का इंक्लूजन हो, वो वहां पर नहीं रहेंगे। ये सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देखिए एक डिप्लोमेसी में ना, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में एक बड़ी बात होती है, कौन प्रेजेंट है वो तो खबर होती है, वो दिखती है, कौन प्रेजेंट नहीं है वो ज्यादा बड़ी खबर होती है, और वही शी जिनपिंग ने प्रूफ कर दिया कि वो नहीं आए हैं, यानी कि इन सब ज्यादा मुद्दों में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हाँ। मैं मॉनिटर कर रहा था कि चाइनीज मीडिया को कहां है वो चीन के किसी प्रोविंस में बाढ़ और आई है तो वहां पर जाके थोड़ा जायजा ले रहे हैं, वहां जहां एक महीने पहले बाढ़ आई थी। चलिए ये तो चीन की बात हुई रोमाना, लेकिन जो बेसब्री के साथ इंतजार है अब वो है जो बाइडेन का। देखिए जो गैर मौजूदगी, जो एब्सेंस की अभी बात कर रहे थे आशीष सिंह, दरअसल चीन जिस तरीके से चाह रहा था कि उसकी एब्सेंस जो है वो खटके, वो किसी को खटकी नहीं है, और शायद यही चीन की चिढ़ की बड़ी वजह है कि चीन मौजूद नहीं है, शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।